नूतन कहानियों में आपका पुनः एक बार स्वागत। आज मैं आपके लिए एक प्रेरक प्रसंग लेके आया हूँ। ये प्रेरक प्रसंग इस बात पर आधारित है कि मनुष्य की लालच या लोभ कभी समाप्त नहीं होते। थोड़ा और मिल जाए, कुछ और पालो, दूसरे का भी मेरे पास आ जाए तो अच्छा है, यही सोच हमेशा रहती है मनुष्य के अंदर। ऐसा ही कुछ आज का प्रसंग है। इस कहानी का शीर्षक है एक रुपये का सिक्का। एक ब्राह्मण सुबह उठकर मंदिर की ओर जा रहा था। वहां उसे रास्ते में एक रुपए का सिक्का मिल गया। वह ब्राह्मण मन में विचार करता हुआ कि ये एक रुपए मैं किसी दरिद्र को दे देता हूँ, सोचता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ा। वह पूरे नगर में ढूंढता रहा, उसे कोई दरिद्र और भिखारी नहीं मिला। हर रोज की तरह सुबह ब्राह्मण मंदिर की ओर प्रस्थान करता और दरिद्र और भिखारी को ढूंढता। ऐसा ही एक दिन उसे राजा दिखाई देता है जो अपनी बड़ी सेना लेकर दूसरी नगर की ओर जा रहा होता है। राजा जैसे ही इस ब्राह्मण को देखता है उसे प्रणाम करता है और कहता है कि महात्मा, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दूसरी नगर के राज्यों को भी जीत सकूँ। ये सुनते ही ब्राह्मण एक रुपये का सिक्का राजा के हाथ में थमा देता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि आपने ये एक रुपये का सिक्का मेरे हाथ में क्यों थमाया। ब्राह्मण उत्तर देते हुए कहता है कि मैं कई दिनों से कोई दरिद्र व्यक्ति ढूंढ रहा था जिसे ये एक रुपये दे सकूं। पूरे नगर में ऐसा कोई दरिद्र और भिखारी व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं ये एक रुपये दे सकता था। सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे ऐसे दरिद्र व्यक्ति मिले जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, जिसकी अपेक्षा हमेशा अधिक से अधिक पाने की रहती है। इसलिए मैं ये एक रुपये का सिक्का आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि जो दरिद्र व्यक्ति की तलाश में था वह साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। ये सुनकर राजा का मस्तिष्क शर्म से झुक गया और वह अपनी सेना को वापस जाने का आदेश दे देता है। मित्रों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कुछ पाने की जिद जरूर होनी चाहिए, अच्छी बात है, पर ये तीव्र इच्छा जब मन में आता है कि दूसरे का भी पैसा मेरे पास आ जाए और ऐसा स्वार्थी सोच जब व्यक्ति में पनपने लगता है, वो बात अच्छी नहीं। परिणाम स्वरूप उसे सब कुछ मिलने के बाद भी वो दुखी रहेगा क्योंकि उसकी इच्छा कभी समाप्त ही नहीं होती। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।